कैमरे की तरफ, थोड़ा इधर आओ, जरा सा उधर, हल्का सा लेफ्ट में, हाँ ठीक है थोड़ा सा पीछे, बस जरा सा नीचे झुक जाओ, हाँ एकदम परफेक्ट। अरे अरे कोई तो बचाओ भाया। पतलू, अपने दोस्त को यहाँ से लेकर निकल लो, वरना दोनों को ऐसे मिर्ची वाले समोसे खिलाऊंगा कि कान नाक मुंह और हर तरफ से धुआं निकलेगा। मोटू अब बहुत हो गया सेल्फी 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 का भूत तुम्हारे सर से उतर गया हो तो अब घर चले। अरे पतलू कितना मजा आ रहा है सेल्फी लेने में, कितना मजा आ रहा है। ए जॉन स्टॉप, तुम्हें कानून की कसम, रुक जाओ, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल, तुम चिंगम के चंगुल से बच के कहीं नहीं जा सकते। ए चोर चोर कोई पकड़ो। अय्यम्मा चोर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। जॉन बैंक लूट के भाग रहा है, मोटू उसे पकड़ो। डोंट वरी चिंगम सर, मैं अभी जॉन को पकड़ के आपके कदमों में डाल देता हूँ। जॉन रुक जाओ, चिंगम सर ने तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी है, हथकड़ी लगने से पहले आ जाओ, मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए, थोड़ा पास फ्रेम में तो आओ। अरे अभी भी मजा नहीं आ रहा है, आओ ऊपर मेरे मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, आओ ना। कुछ सेल्फी जमीन पर उतर कर भी तो लो। हाँ हाँ क्यों नहीं अभी लो। ऐ मोटू तुमने क्या किया, जॉन को भगा दिया, और तो और वो अपने साथ मेरा मोटरसाइकिल भी लेके गया, अब मैं बिना मोटरसाइकिल राउंड पर कैसे निकलूंगा। भी बुरी नहीं है, देखो तुम अपने पापा जिनसे कह देना कि मैं 2 करोड़ का इंतजाम जल्द ही कर लूंगा। हाँ ओके अंकल ओके, मैं पापा जिन को बता दूंगा और अब मैं आपसे फोन पर ही बात कर लूंगा, सामने नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। मछली जाल में फंस चुकी है। चाहिए 2 करोड़। ये तो सिर्फ 2,000 ही हुए, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब क्या करूं, ये तो सिर्फ 100 रुपए ही है, कुल मिलाकर हो गए 2,100 रुपए। हेलो हेलो, मैं सेक्रेटरी जिन बोल रहा हूँ, वो पापा जिन पूछ रहे थे कि पैसों का इंतजाम हो गया कि नहीं। पापा जिन को कहना मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 2,100 रुपए ही इकट्ठा हुए हैं। अंकल इन चिल्लर पैसों से क्या होगा, कोई सामान बेच दो अंकल, जैसे कि मकान बेच दो, कल तो आप करोड़पति अरबपति बनने ही वाले हो, फिर उन रुपयों से आप लोगों की सेवा कर सकोगे। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हेलो सुनो, मैं मकान बेच देता हूँ। भाई साहब मैं इस घर का 50 लाख देने को तैयार हूँ। जय हो, आज से ये घर आपका हुआ, ले लीजिए चाबी। मोटू रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। नहीं पतलो, इन पैसों से ही मैं लोगों की मदद कर सकूंगा। 50 लाख। हेलो अंकल, पूरे पैसे इकट्ठे हो गए।
कौन? सेक्रेटरी? मैंने घर बेचकर 50,02,100 रुपए जमा कर लिए हैं। पापा जी हर किसी की इच्छा पूरी नहीं करते अंकल, जल्दी बाकी के पैसों का इंतजाम कर लो। अब मैं क्या करूं? घर तो बेच दिया। अंकल आपकी तो पूरे फुरफुरी नगर में बड़ी पहुंच है, सारे ज्वेलर्स आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। आप किसी से भी पैसे या कोई 1-1.5 करोड़ का हीरा कल तक के लिए उधार ले लो। और सेठ जी क्या हाल चाल है? अरे बाबा मोटू बड़ी कैसा है नी? सीताराम तुम भी कितना डरते हो। ठीक है मैं पीछे बैठकर हैंडल को सपोर्ट देता हूँ। ओके ओके चलो रोड। पिछली बार कुछ खास मजा नहीं आया, लगता है मुझे अपने तूफानी आइडिया में थोड़ा सा और फेर बदल करना होगा, यानी कि मिर्च मसाला मिलाना पड़ेगा। बज रहा है, तुम चलाओ। हेलो हेलो, मैं फिर से वही रॉन्ग नंबर वाला बोल रहा हूँ। मिश्रा जी घर पे है? बड़े भैया मैं समझ गया कि आप वही रॉन्ग नंबर वाले बोल रहे हो, लेकिन मैं कोई मिश्रा जी को जानता तक नहीं, वो घर पे नहीं है। हाँ बुड़ी बाबा, मोटू तुम्हारा हाथ कहाँ पर है? हसीना राम रुको तो, मैं जरा फोन पे बात तो खत्म कर लूँ। तुम्हारा फोन पर बात खत्म होते होते कहीं हम ही ना खत्म हो जाए। बचाओ मोटू, हैंडल पकड़ो। अरे क्या कह रहे हो? तू फोन बंद करो, बाइक सिखा रहे हो या फोन पे बातें कर रहे हो? बुड़ी बाबा मोटू ऐसा ही करता रहेगा तो पता नहीं हम कब तक बाइक चलाना सीख पाएगा। मोटू तुमने बहुत सिखा लिया, अब घसीटाराम को बाइक चलाना मैं सिखाऊंगा। ओके बस बस, अब क्या करोगे? आपकी फेंकी हुई गोटियाँ तो खत्म हो गयी। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मैदान में मोटू या पतलू, जॉन ना डॉन किसी से भी नहीं डरता। अब मैं पर्दे के पीछे नहीं सामने से खेल खेलूंगा। घसीटाराम सबसे पहले बाइक चलाते समय आगे रोड पर फोकस रखना, फोकस सही होगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। एक बार तुम्हारा डर निकल गया ना तो तुम खुद ही बाइक चलाओगे। चलो बैठो। वेरी गुड। हेलो, मैं फिर से वही रॉन्ग नंबर वाला बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि मिश्रा जी आपके दोस्त पतलू के बहुत अच्छे पहचान में हैं। अगर आप पतलू को फोन दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे मिश्रा जी का पता चल जाएगा। अच्छा, तो पतलू को जानता है? मैं अभी बात करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे पतलू सुनो तो, रुको तो, पतलू तुम्हारे लिए फोन है। ध्यान रखना, तुम अपनी शक्तियों का यूज अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, अगर तुमसे कोई नुकसान होगा तो तुम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे। ओके, सी यू आफ्टर 1 वीक। होगा किसी को कोई दुख दर्द। मोटू से विश करो और खुश रहो। की बात सुनो, आज से मैं एक जिन बन गया हूँ, मोटू द जिन। चलो फुरफुरी नगर के लोगों की इच्छाएं पूरी करके उन्हें खुशहाल बनाना है। सुनो तो, अरे जिन में कुछ नहीं होता। चाय वाले भैया गर्मा गर्म समोसे खिला दो, आज सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का। मैं जिन बन गया हूँ। मैं ही मिला था मजाक करने के लिए। तुम
कुछ भी विश करो मोटू द जिन उसको पूरी करके देगा। ठीक है भाया, अगर तुम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। मोटू उसकी विश पूरी करने से पहले पूछ लेना कि वो चाहता क्या है। ओके पतलू ओके, चाय वाले पहले मुझे अपनी इच्छा बताओ। हाँ, मेरी इच्छा है कि मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए भाया। तथास्तु। अरे ये क्या, अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा खुशी से, सच में करोड़ों रुपया बरस रहा है। अरे थैंक यू मोटू, अरे थैंक यू वेरी मच। तुम तो सच में एक जिन बन गए हो भाया, तुम्हारी जय जयकार। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, चलो तो फिर इसी खुशी में आज फ्री में समोसे खिला दो। ओके है? क्या कहा, समोसे? अरे कभी किसी करोड़पति आदमी को समोसे बनाते देखा है क्या? अब तो मैं खुद 5-स्टार होटल में बैठकर खाना खाऊंगा। मैं चला। देख लिया, बिना सोचे समझे जिन बनकर विश पूरी करने का नतीजा। एक मिनट, मुझे घसीटा राम की। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।